वेलकम फ्रेंड्स, एक और नई क्लास आपकी एक नई उम्मीद के साथ जो कि शुरू हो चुकी है। आप देखते हैं शाम को 7 बजे हर दिन आपकी जीरो लेवल बेसिक गणित होती है। आज हम देखेंगे आप सभी के द्वारा भेजे गए कुछ सवालों के जवाब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप में से काफ़ी लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया हुआ है और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों के सवालों के जवाब भी उनको बहुत जल्दी बताए जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है वैसे उनके सवालों के जवाब उनके नंबर पर भेज दिए जाते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर कुछ क्लास ऐसे भी होती हैं जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं तो उनको हम सबके सामने पब्लिश कर देते हैं। जैसे कि आज की क्लास आप देखेंगे, ये फर्स्ट बैच पेड क्लास में ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट हैं सुषमा जी, जो कि रोहतक हरियाणा के रहने वाली हैं, और इन्होंने कुछ क्वेश्चन जो भेजा हुआ है वो बहुत ही सिंपल सा है और ये अभी बेसिक मैथ पढ़ना शुरू की हैं, जो कि एक बार पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, मतलब कि पढ़ाई नहीं करती थी, छोड़ दिया था, इन्होंने दोबारा से लर्निंग स्टार्ट किया पीवीआर स्टडी के साथ। तो हम देख लेते हैं सवाल क्या है। बहुत आसान है लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। जैसे देखिए, -2 का मल्टीपल करना है -2 में और फिर -2 में, तो ये चिन्ह की वजह से एक डिफिकल्ट बना देता है। दूसरा नंबर तो वैसे भी ये बेसिक में भी आपके लिए हो सकता है दिक्कत खड़ी कर दे। तो देखिए कैसे इसको समझते हैं और कैसे करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, पहले तो आपको गुणा करना आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2 आप सभी जानते हैं 4 होगा, लेकिन अगर 2 बार हो गया तो 3 बार, तो 2 का 2 में करिए 4 हुआ, 4 का 2 में 8 हुआ। इसको चाहे आप 2 स्टेप में कर लीजिए, इन दोनों का कर लीजिए 4 हुआ, इसको ऐसे लिख लीजिए, अब ये देखिए 3 स्टेप में हो गया। तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रॉब्लम की बात मेन ये नहीं है, समस्या इस बात की है कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है। तो मैं पहले आपको चिन्ह की प्रॉपर्टी, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन उसके पहले इसको देख लेते हैं तब। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें 3 बार गुणा है तो आप जानते हैं उत्तर तो 8 आएगा, बात चिन्ह की होती है। तो ये जान लीजिए अगर जो गुणा किया जा रहा है अगर वो सम बार है, सम या विषम, मतलब समझिएगा चिन्ह कितना बार है, 1, 2, 3 बार है ना, 3 बार है, तो ये सम है कि विषम है, 3 विषम है ना। अगर विषम रहेगा तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, अगर सम रहेगा तो जो आंसर आएगा क्या आएगा, वो प्लस में आएगा। बस इस बात को आप समझ लीजिए, आप आसानी से जान जाएंगे, ठीक है ना। इसको मैं एक और तरीके से आपको बता सकता हूँ, वो क्या है, वो ये देखिए कि 2, 2, 2, 3 बार है ना, ये तो एक -8 उत्तर हो गया। इसे आप एक काम कर सकते हैं, -2 घात 3 लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 बार गुणा है -2 का। अब यहाँ आप स्पष्ट ये कर सकते हैं कि घात जो है अगर वो विषम होगी और यहाँ माइनस होगा तो उसका जो आंसर आएगा फाइनल में वो माइनस में आएगा, ठीक। अगर यही घात 4 हो जाती तो उत्तर प्लस में आता, उत्तर आता कितना इससे नहीं मतलब, मैं चिन्ह की प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ कि उत्तर माइनस में आएगा कि प्लस में। क्लियर हो गया ना, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरा सवाल देखिए, इसमें 2, 2, 2, 3 बार तो है बट यहाँ 1, 3 और है, तो इसे आप फाइनल में ऐसे लिख सकते हो भाई कि 2 का घात 3 लिख सकते हैं ना, लेकिन जो बगल में 3 था इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, इसको भी हम इसी के साथ सटा देंगे, बगल में ही ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ये हो गया, बट इसका आंसर क्या आएगा फाइनल में, अभी आपने इसका आंसर देखा था -8 आया था ना, तो इसका तो क्या होगा, -8 हो जाएगा, लेकिन जो 3 है उसको भी बगल में वैसे लिख दिया। अब 8 का 3 में गुणा करेंगे, 8 3 क्या होगा, 24, बट ये माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये 8 जो है माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस का गुणा होता है माइनस। इसको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप देख लीजिए पहले, जैसे देखिए अगर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो उसका उत्तर प्लस में होगा। ये मान लीजिए अगर दोनों चिन्ह वैसे हैं, मतलब वही है, चाहे दोनों माइनस है दोनों प्लस है, तो उसका गुणनफल जो है वो प्लस में आएगा। माइनस माइनस का प्लस होता है और प्लस प्लस का गुणा होता है तो ये भी प्लस होता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, अगर दोनों एक समान चिन्ह है और गुणा हो रहा है तो क्या आएगा, उसका उत्तर प्लस में आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, -3 का गुणा -5 में होगा तो ये 15 जो है प्लस में आएगा। प्लस का मतलब यहाँ पे चाहे लगे या ना लगे, मतलब एक हुआ, ठीक। अगर 7 का गुणा 5 में हुआ तो इसका उत्तर जो आएगा प्लस में आएगा। देखिए प्लस का मतलब यहाँ मैंने कहीं चिन्ह नहीं लगाया बट वो माना जाता है, ये देखिए ये माना जाता है, ठीक है, चाहे लगा लीजिए गलत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, लेकिन प्रॉब्लम एक बात की और है, इसमें कहीं कहीं पहले माइनस फिर गुणा का चिन्ह
और फिर धन तो इक्वल क्या आता है माइनस। कैसे? देखिए अगर माइनस तीन का गुणा आपको कहीं करना है माइनस सात में, तो इसका उत्तर है कैसे आएगा, माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि एक चिन्ह पॉजिटिव था एक निगेटिव था। अगर दोनों में से मतलब दोनों अलग अलग हैं, एक प्लस एक माइनस, तो उसका उत्तर किस में आता है, वो माइनस में ही आता है। इसका जस्ट अपोजिट भी आप करके देख लीजिए, सिंपल सी बात है, अगर प्लस का गुणा माइनस में होता है तब भी उत्तर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसी के अनुसार ये जो आंसर आया था वो क्या आया था, निगेटिव आया था। देखिए आगे क्या है, तीन का गुणा दो में और इसका गुणा चार में, सिंपल सी बात है, पहले आप गुणा कर लीजिए, चार दिया बारह और फिर बारह का दो में गुणा करेंगे, चौबीस आएगा, आंसर आएगा चौबीस। अब प्रॉब्लम है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। आप देखिए जब इसका आप गुणा किए होंगे तो ये प्लस था ये माइनस था, है ना, माइनस में बारह आया होगा, है ना। फिर गुणा का चिन्ह लगा करके आप दो में गुणा किए होंगे इस दो में, तो ये प्लस ये माइनस फिर जो आएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा ना। आप दो बार में तोड़ लीजिए ना इसको, प्रॉब्लम क्या है, समझ गए ना। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा और विस्तार करके। देखिए मैं पहले इसका दोनों का गुणा कर लेता हूँ, तो ये माइनस बारह हो गया, गुणा का चिन्ह ये दो मैंने वैसे लिख दिया, अब इनका दोनों का करेंगे तो ये माइनस चौबीस। सभी को क्लियर हो रहा है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आप कमेंट करें या ना करें, आपके कमेंट का जवाब मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पे जो क्लियर कर दिया जाएगा आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को, तुरंत कर दिए, आपके एक लाइक से बहुत लोग का फायदा होने वाला है। बहुत से लोग जो इसके ज़रूरतमंद है ना, उनको ये वीडियो मिल जाएगा जब आप लाइक करेंगे तो। इसको तो सभी जानते हैं भिन्न का गुणा है, भिन्न का गुणा से आसान कुछ होता ही नहीं है। इसमें अगर कुछ कट पीट रहा है तो काट पीट दीजिए नीचे ऊपर से, नहीं तो गुणा कर लीजिए। अंश का अंश में गुणा कर लेते हैं सीधा सीधा, हर का हर में, इसमें अंश हर बराबर करने का कोई तिकड़म नहीं रहता है। तो दो चौका ही हो जाता है आठ और ये पाँच तीन पंद्रह, ये उत्तर हो गया। इसमें भी देखिए ये कटने वाला है, चूंकि ये चार है ये दो है, कट जाएगा दो से, तो दो दूना चार, दो तिहाई छः, दो आया तीन आया, अब ऊपर ऊपर गुणा, दो तिहाई छः। और हाँ, गुणा करने के पहले आप इसे अभी और काट सकते हैं, इस तीन से तीन कट गया, ऊपर क्या बचा, दो नीचे एक, यहाँ एक यहाँ आठ। अब आप ऊपर का गुणा करिए, दो का गुणा एक में करेंगे तो दो आएगा, और एक का गुणा आठ में करेंगे तो क्या आएगा, आठ आएगा। अभी ये और कट सकता था, मैं यहीं पे काटता तो बहुत लंबा हो जाता नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया। अभी से फिर काटिए, दो एक कम दो, दो चौक आठ, एक बटा चार आया। लेकिन आप इसको यहीं पे सब काट पीट लीजिए एक जगह पे, आसान रहेगा, एक बटा चार। इतना समझ में आ गया ना। एक है मिश्र भिन्न का सवाल, मिश्र भिन्न का सवाल इन्होंने भेजा हुआ है। देखिए और भी लोगों के नाम है, लेकिन हमने सोचा कि जिसका भी सवाल है उसका सब कुछ क्लियर हो जाए तो फिर हम दूसरे का सवाल शामिल करते हैं। और हाँ, उन्हीं लोगों के सवाल शामिल किए गए इसमें जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया हुआ है, और जिन लोगों ने सवाल को मतलब भेजा हुआ था कब, आज के मतलब पिछले हफ्ते भेजा हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आ चुके थे इस वजह से सवाल नहीं हो पा रहे थे आपके, तो पिछले हफ्ते के ये सवाल हैं, इस हफ्ते के सवाल अभी जल्दी आपको दिए जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, वीडियो को तुरंत रोक लें और रोक करके लिख लें, आप लोगों ने लिख लिया होगा हम उम्मीद करते हैं। तो चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देखिए ये ज़रूरी नहीं कि जिन्होंने भेजा है केवल उन्हीं के लिए है, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मिश्र भिन्न है ये, तीन सही एक बटा दुई, धन पाँच सही एक बटा तीन। देखिए मिश्र भिन्न, तुल्य भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, ये भिन्नों का प्रकार क्या होता है, भिन्न और परिमेय संख्या, ये दोनों फेवरेट टॉपिक हैं आप लोगों की, मैं देख रहा हूँ, है ना। देखिए इसको पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, दो तिहाई छः एक सात, इक्का हो जाएगा सात बटा दुई, धन तीन पचे पंद्रह एक सोलह, सोलह बटा तीन। अब वही यहाँ पे हर बराबर करने वाला तिकड़म आ गया, तो बराबर कर लीजिए भाई सभी लोग फटाफट, लासा ले लेंगे, दो तिहाई छः हो जाएगा, छः में जब भाग देंगे दो से तीन आएगा, तीन का सात में गुणा होगा, तीन से इक्कीस, धन इधर भी ऐसे होगा तो ये बत्तीस। समझ में आया ना कैसे। देखिए हमने एलसीएम लिया, छः आया, अब इस छः में इस दो से भाग करेंगे, इस दो से छः में भाग करेंगे तीन आएगा, और जो तीन आएगा उसका इसमें गुणा करेंगे अंश में तो इक्कीस आएगा। उसी तरह से तीन से भाग करेंगे छः में तो दो आएगा, और जो दो आएगा उससे सोलह में गुणा करेंगे बत्तीस आएगा, ये हो गया। ऊपर ऊपर का जोड़ लीजिए,
तो 2 1 3, 3 2 5, 53/6, ये आपका आंसर हो गया। ये समझ चुके होंगे उम्मीद करते हैं, है ना, समझ गए। देखिए दूसरा सवाल जो आप लोगों ने ये किया हुआ था, सभी लोगों ने किया था, एक ही लोग का नहीं था, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल जो किया हुआ था, जैसे कि रुखसार, मंजूश्री राय और अमित कुमार, विवेक कुमार और अभी मैंने नाम देखा है सभी लोगों का, जो कि रंजना ने भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो क्या था, समीकरण पर आधारित सा क्वेश्चन, इक्वेशन, सभी लोगों के फेवरेट क्वेश्चन थे। जैसे कि यहाँ पर सर ने मुझे कुछ नाम नोट करके दिया हुआ है, तो देखिए मैं उनको कर देता हूँ। पहले तो ये समीकरण के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे देखिए ये समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके अगर दो मूल निकालने हो या x का मान निकालना हो या इसे हल करना हो तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पहला टॉप का क्वेश्चन है जो आप लोगों ने किया हुआ था, इसी में आधारित और बहुत से सवाल थे, मैं उनको भी दिखाऊंगा आपको, गौर करिएगा। देखिए इस तरह के सवाल में पहले हमें समझना होता है, एकदम बेसिक से चलते हैं। तो जैसे मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा ना, जो यक्स होता है ये चर पद होता है जिसे इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, जो 7 है या गिनती की कोई भी नंबर है वो अचर पद होता है जिसे कांस्टेंट बोलते हैं, जो चुरकी पे ऊपर लगा होता है इसे घात बोलते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं, और जो यहाँ जमीन पर स्थिर होता है वो उसे बेस बोलते हैं, समझ गए ना। तो अब हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि इसका गुणांक क्या है, अभी गुणांक की बात मैंने नहीं किया ना, जैसे 3x की पावर 7 है, कोई बोले कि x की घात 7 का गुणांक क्या है, तो क्या है वो 3 है, ठीक है। वैसे यहाँ गुणांक क्या है x का, कुछ नहीं इसके आगे तो 1 मानते हैं, तो पहले गुणांक का गुणा कर लेते हैं लास्ट में, तो 1 का 10 में गुणा करेंगे 10 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगा। अब क्या करते हैं, इस 10 को हम ऐसा तोड़ते हैं इस तरह से कि जिसको गुणा करें तो 10 आए और जोड़ दें तो 7 आए। अब बताइए गुणा करने पर 10 कब कब आता है, गुणा करने पर 10 कब कब आता है, 1 का 10 में गुणा करेंगे 10 आएगा, देखिए है ना, लेकिन 10 का 1 में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 7। देखिए 2 का गुणा करेंगे 5 में तो 10 हो जाएगा, और 2 का 5 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, इसका मतलब 2 और 5 होगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये सभी प्लस प्लस है ना, कुल प्लस हैं, तो आप इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5x, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस इसे 2x प्लस 5x प्लस 10, एक लाइन मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, वरना ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ सभी लोग फटाफट यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 2 बचेगा, इसमें दोनों में देखिए 5 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, जो दोनों कोष्टक में कॉमन होता है उसे क्या करते हैं एक बार लिख देते हैं x प्लस 2 और ये x प्लस 5, ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो एक एक बार x के बराबर करेंगे 0 के, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। यहाँ से x के दो मूल या दो वैल्यू आ गई, -5 और -2, समझ गए। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, ये आपके DLED, BTC, TET, CTET जो भी परीक्षा दे रहे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, कक्षा 7-8 की गणित है, कर लिए। तो हम आपको और आगे भी दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इन्होंने और भी बहुत से लोगों ने जो क्वेश्चन किया है वो कुछ इस टाइप के हैं, जो कि क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ था किस पे आधारित, इसी तरह के समीकरणों का LCM निकालने के लिए। देखिए LCM हो या HCF हो, आपको पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, विशेषकर आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है। वैसे मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को, इस क्लास को चैनल पे पब्लिश किया जाए और सभी लोग देख पाए, टोटल फ्री प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी आप लोग सभी लोग इसको देखेंगे। देखिए जैसे x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 है और इसको मैं माइनस कर देता हूँ, x माइनस 3 का LCM होगा। देखिए ये बहुत अजीब सा लगता है और इस पे आधारित बहुत से सवाल प्रतिदिन आते हैं, है ना, लेकिन उन सवालों का जवाब आप लोगों को जो है वो मिलने में काफ़ी टाइम लगता है,
तो देखिए इसमें हम कैसे इसको समझते हैं, कैसे करते हैं, गौर करिएगा। देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग ये जानते होंगे अगर आपको 12 और 10 कैल्शियम करने को कहा जाए तो आप कर लेते हैं आसानी से। दो तरीका होता है, एक गुणनखंड वाला होता है, एक भाग विधि होता है। देखिए ये भाग विधि होता है जो ऐसे करके काटते हैं, ऐसे नहीं काटते हैं, मैं बता रहा हूँ फिर से, ऐसे काटते हैं। ये दुई छंग 12, दुई पंचे 10, दुई तिहाई 6, दुई पंचे 10, ऐसे ऐसे काटते हैं ना, है ना। तो ये कौन सा होता है, भाग विधि होता है। एक होता है गुणनखंड वाला। तो मैं इसको सबको क्यों बता रहा हूँ, ये तो आपको आता होगा लेकिन मैं बताऊँगा क्योंकि आप समझेंगे नहीं। ये 2 × 2 = 4, 3 × 12 और 2 × 5 = 10, ये गुणनखंड हो गया किसका, 12 का, और ये गुणनखंड 10 का हो गया। अब अगर एलसीएम की बात करें तो पहले जो दोनों में मिल रहा है उसको लिख लेते हैं, सॉरी पहले एचसीएफ की बात करते हैं, एलसीएम नहीं, एचसीएफ या जीसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों का क्या होता है, ग्रेटेस्ट बोले या हाईएस्ट बोले एक ही मतलब हुआ। तो अगर इसमें जीसीएफ या एचसीएफ की बात करें तो 2 होगा, क्योंकि 2 जो है वो दोनों में मिल रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या 2 है जिससे ये दोनों कट जाएंगे, बाकी किसी से भी दोनों नहीं कटेंगे। अगर 5 से 10 कटेगा बट 12 नहीं कटेगा, 3 से 12 कटेगा लेकिन 10 नहीं कटेगा, 4 से 12 कटेगा लेकिन 10 नहीं कटेगा, 5 से 10 कटेगा लेकिन 12 नहीं कटेगा। 2 ही एक ऐसा अंक है जिससे दोनों कटेंगे, ठीक। तो ये हो गया एचसीएफ। अगर इसी में हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम पहले तो वो होता है जो दोनों में मिलता है, मतलब ये 2 लिख दिया मैंने। अब इसकी एक सिधाई ये होती है कि जो दोनों में मिलता है उसको तो लेता ही है, साथ साथ जो अकेले बच जाते हैं बेचारे उनको भी ये अपने साथ ले लेता है। तो ये 2 अकेले बचा था इसको भी अपने साथ मिला लिया, ये 3 बचा था इसको भी अपने साथ ले लिया, और ये 5 जो बचा था इसको भी अपने साथ ले लिया, सब लोग एक साथ हो गए। 2 × 2 = 4 = 12 कितना हो गया, 60। मतलब इसका एलसीएम कितना आया, 60 आया, एचसीएफ कितना आया, 2 आया, समझ गए ना। लेकिन ये तो अलग कहानी थी, अभी तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो तो शुरू नहीं हुआ है ना, जैसे कहते हैं ना अभी तो आपने ट्रेलर देखा, मूवी तो बाकी है। तो चलिए आइए इधर, आप मैं आपको मूवी भी दिखाता हूँ। देखिए इसको भी ऐसे हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना, इसे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। और हमने क्यों लिखा, अपना काम बनाने के लिए, कि ये फार्मूला बन जाएगा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। अगर आप जीरो लेवल की मैथ देखे होंगे तो आपको मालूम होगा ये कैसे बना, क्योंकि एक सूत्र होता है a² - b² वाला होता है ना, तो वहीं से ये बनेगा। तो ये एक्स माइनस 3 हो जाएगा और ये एक्स प्लस 3 हो जाएगा। इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, तो एक्स माइनस 3 इक्वल आप इसे एक्स माइनस 3 ही लिखेंगे। अब आ जाइए अपने पुराने उन यादों पे जो कि आप लोगों ने अभी इधर देखा था, हमने आपको एलसीएम एचसीएफ में क्या बताया था। पहले एचसीएफ की बात करेंगे जो दोनों में मिल रहा है। देखिए एक्स माइनस 3 इसमें भी है, एक्स माइनस 3 इसमें भी है ना। तो ये एक्स माइनस 3 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया, मतलब कि जिसे आप लोग मासा बोलते हैं, हो गया। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, देखिए जो दोनों में मिल रहा है पहले तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो दोनों में नहीं मिलता है वो भी इसको ले लेता है साथ में, यानी कि एक्स प्लस ओ कौन सा है 3, ये हो गया ना। अब एक माइनस एक प्लस, इसे आप फाइनल में लिख सकते हो सभी लोग एक्स का स्क्वायर माइनस 9 लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, समझ में आई बात ना। तो आप एलसीएम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एचसीएफ एक्स माइनस 3। तो उम्मीद करते हैं आप सभी सातों लोगों ने, जिन लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया हुआ था, सभी लोग समझ गए। कुछ लोगों के दिल में इस तरह के सवाल पहले से गूंजते रहते होंगे लेकिन उन्होंने पूछा नहीं, लाज शर्म लग रही थी उनको, तो उनके भी सवाल जो है वो क्लियर हो चुके हैं, है ना। तो आप अपने विचारों को अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और हाँ, कुछ लोग जो है वो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या बहुत सारे सवाल किया है ना, उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन वो अगली क्लास में होगा, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा डिस्क्राइब करने में, क्योंकि हम हल्के में तो बताते नहीं हैं, जो भी चीज़ हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं उसका पूरा निचोड़ निकाल के आपको देते हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में हड़बड़ कर देना ये हमारे समझ के बाहर होता है। एक आप लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में बात किया था जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है, वो दो है, एक जीरो है, एक पाई है, है ना। एक बात याद रखिए, जो जीरो है ये परिमेय संख्या है, क्या है,
ये परिमेय संख्या है और जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या? मतलब इरेशनल नंबर है। एक वीडियो हमने डाला हुआ था जो कि चैनल पर आपका फर्स्ट वीडियो था 2017 में शायद, उसमें हमने गलती से पाई को परिमेय बोल दिया था, जिसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि उस समय कॉन्सेप्ट इसका हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था। तो ये जान लीजिए अगर इसका वैल्यू दिया है 22/7 तो वो रेशनल होगा, लेकिन अगर वैल्यू नहीं दिया ऐसे है तो ये क्या होगा? इरेशनल होगा। कोई भी जो भी मान होते हैं आपके, जैसे जी हुआ, स्मॉल जी, कैपिटल जी, ये जितने भी नियतांक वाले या जो भी मान वाले होते हैं इस तरह के, वो सभी अपरिमेय होते हैं, लेकिन अगर उनका मान दिया होता है तो परिमेय होते हैं। देखिए परिमेय की परिभाषा आप जानते हैं, 22/7 के रूप मतलब p/q के रूप का जो होता है वो परिमेय होता है ना। तो जीरो को आप लिख सकते हैं 0/1, देखिए p/q के फॉर्म का है ये, लेकिन अगर मैं लिखूं कि p/q इक्वल √3/7 तो ये डज नॉट इक्वल, बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अंडर रूट लगा है और ऐसा अंडर रूट लगा है जो हट नहीं सकता है। अगर हटेगा दशमलव में मान आएगा, मतलब पूर्ण संख्या नहीं आएगी। कहने का मतलब पूर्ण संख्या आनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये दशम वर्गमूल हटाने के बाद पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, यानी कि √3/7 क्या है? ये रेशनल नहीं है। लेकिन कभी कभी रूट में होते हुए भी रेशनल हो जाता है, वो कैसे और कब? देखिए जैसे अगर मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दिखाया, जैसे कि ये सवाल जो किया हुआ था सोनू जी ने पूछा हुआ था, और अमित कुमार, गुलशन और मनोरंजन जी ने पूछा हुआ था, इस तरह का जो कि टॉप में 3 नाम थे, इन्होंने किया हुआ था कि जब अंडर रूट होता है तब परिमेय संख्या कैसे होती है। अंडर रूट 25 है, ये परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे अभी तो बोल रहे थे कि रूट में होता था परिमेय होता है, ये परिमेय कैसे हो गया? ये परिमेय इसलिए हो गया कि इसका वर्गमूल जो है वो 5 हो सकता है, मतलब कम्प्लीटली 5 निकल जाएगा, इसमें कोई तिकड़म नहीं रहेगा। तो इसे आप p/q लिख सकते हैं, मतलब इसे ऐसे कर सकते हैं, इसलिए क्या है ये परिमेय है। अगर मैं ऐसे बोलूं अंडर रूट 25 तो परिमेय है, और नीचे मैंने अंडर रूट 7 भी बोल दिया, अब क्या है ये डज नॉट इक्वल p/q, ये अपरिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन रूट 7 का तो नहीं निकलेगा ना, तो ये फाइनल में ऐसे आके अटक जाएगा बीच में, ये ऐसे हो जाएगा जो कि डज नॉट इक्वल p/q, ये p/q के बराबर नहीं है। अतः क्या है ये एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो अंडर रूट है ये हट नहीं सकता है, मतलब अगर हटेगा तो पॉइंट वगैरह में आएगा, भाग विधि से निकालेंगे तो दशमलव में मान आएगा, लेकिन फिर वो मान नहीं यहाँ पे मान्य होगा। पूर्ण संख्या आनी चाहिए, पूर्ण संख्या मतलब दशमलव में नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो ये क्या है अपरिमेय है। और हाँ, कभी कभी दोनों संख्याओं पर वर्गमूल होते हुए भी वो परिमेय होता है, लेकिन कब? जब उसका वर्गमूल फाइनली निकाला जा सके। जैसे मैंने आपको कहा 144/169 इक्वल क्या है p/q, ये परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे दोनों पे वर्गमूल है, फिर परिमेय कैसे हो गया? क्योंकि अंडर रूट 144 का मान 12 होता है, इसका मान होता है 13, ये आप 12/13 लिख सकते हैं, खुल्लम खुल्ला इसको लिख सकते हैं, मतलब बिना किसी टेंशन के। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, समझ गए ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस की क्वेश्चन कुछ भी आए, कैसे भी आए, ये सब हो सकता है। बाकी आप लोग इसको अगली क्लास में देख लेंगे, हम आपका अगला सेशन देंगे, जैसे 1/2 और 3/7 के बीच परिमेय संख्या निकालना, 5 परिमेय संख्या 10 परिमेय संख्या। एक बात जान लीजिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, इनफाइनाइट, उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। वीडियो को रोक ले, तुरंत इसको लिख ले, हो गया। देखिए हम बात कर रहे थे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, जो कि यहाँ पे हम बताने वाले तो नहीं है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर कर देते हैं। जैसे 2/3 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या अगर आपको निकालना है, तो अनंत परिमेय संख्याएं कैसे होती है, ध्यान दीजिए। अगर मानते हैं, सपोज करिए, मैं राइट आंसर नहीं लिख रहा हूँ, इन दोनों के बीच जो परिमेय संख्या आई वो p/q आई, ठीक है। तो अब आप अगली परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? आप चाहे तो इन दोनों के बीच निकाल लें, या फिर चाहे तो इन दोनों के बीच निकाल लें, ठीक है। मानते हैं यहाँ z/r आया, अब और परिमेय संख्या निकालना तो कैसे करेंगे? अब चाहे तो आप इन दोनों के बीच निकाल लीजिए, या इन दोनों के बीच निकाल लीजिए, या फिर इन दोनों के बीच निकाल लीजिए। कहने का मतलब आप एक दूसरे के बीच ऐसे परिमेय संख्या निकालते रहिए, अनंत बार आप निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है। ये हम आपको अवश्य बताएंगे, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है ये परिमेय संख्या वाला, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें,
हाँ, लेकिन इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है जो कि आपको एक्सेप्ट करना होगा क्वेश्चन पूछने के लिए, जो कि आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा सब कुछ। आप किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए नंबरों पे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं और अपने सवालों को सुलझा सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं उम्मीदों के साथ आपकी ये क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। उसके पहले आप अपने सवालों का सलूशन pvrstudy.com पर भी पा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो आप अपनी अनुसार अपने सवालों का सलूशन खुद खोज सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल मुफ्त में, कोई चार्ज पेमेंट नहीं करना होगा। और आप इन क्लास को YouTube पर देख रहे हैं अगर तो Facebook पेज को अवश्य लाइक करें, Facebook पर सर्च करें PVR स्टडी आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें वहाँ पे आपको लिंक दी गई है। एक सबसे अच्छा बात बता दूँ, ये टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों नंबर है, लेकिन आप टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई जल्दी मिलेगा। टेलीग्राम व्हाट्सअप की तरह एक मैसेंजर होता है जिस पर हजारों लाखों लोगों को एक चैनल पर जोड़ा जा सकता है, तो आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। डिस्क्रिप्शन पूरा चेक करिएगा, नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम से PVR स्टडी से जुड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी PVR स्टडी के आपके और भी जो यूट्यूब चैनल है जैसे मैथ आसान है, PVR स्टडी ग्रुप और PVR स्टडी, इन सभी को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा आपकी एक और नई क्लास के साथ एक नई उम्मीद से। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। देखना ना भूलिएगा अगली क्लास रात्रि 8 बजे से होगी जो कि आपकी, ठीक है, उसे ज़रूर देखिएगा। चलते हैं फिर, अपना ख्याल रखना और याद रखना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लाहों से डर कर नहीं या पार नहीं होती। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उन्हें भी यह जानकारी हो सके।